नमस्कार, आप सभी को आवाज न्यूज पे स्वागत है। और कुछ ही घंटे बाद साधारण निर्वाचन 2024 शुरू होने वाला है, तृतीय पर्याय का। और कल संबलपुर लोकसभा आसन पे चुनाव होने वाला है। तो आइए इसी बात को लेके संबलपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा आईजी ऑफिस पर एक मीटिंग रखा गया था, प्रेस मीट। और उसी प्रेस मीट में आरडीसी संबलपुर के जिलापाल, डीआईजी और एसपी ने ये जानकारी दिए हैं कि संबलपुर में 948 पोलिंग बूथ है, उनमें से 170 बूथ संवेदनशील है। और सभी बूथ पर ड्रिंकिंग वाटर, व्हील चेयर, मेडिकल फैसिलिटीज लेकर आम आदमी का जो कुछ भी जरूरी है वो सब उसको प्रोवाइड किया जाता है। और ये भी प्रशासन ने प्रेस मीट के द्वारा जानकारी दिए हैं कि संबलपुर के जनता निर्द्वंद से अपने अंदर का डर को दूर करके वोट देने के लिए वोट केंद्र को जाएं, बूथ को जाएं और अपना वोट डालें और अधिक से अधिक वोट डालने के लिए जिला प्रशासन ने आह्वान दिए हैं। और जिला प्रशासन ने ये भी कहा है कि अगर कहीं किसी बूथ पे कुछ भी सामने आता है, कोई क्रिमिनल बात, तो पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्मेशन देने से पुलिस प्रशासन 10 मिनट के अंदर वहां पहुंचेगा और दोषी के ऊपर क्रियानुष्ठान लेगा या कार्यानुष्ठान लेगा। और एक चीज, संबलपुर का इन सब बूथ में से 60 बूथ को साठ बूथ से लाइव कास्टिंग किया जाता है। और इस 60 बूथ में सीधा संयोग करता है जिलापाल के ऑफिस के तरफ या उप जिलापाल के ऑफिस के तरफ, और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन उस बूथ का जो भी कार्यकर्ता है उनके ऊपर पर सीधा सड़क नज़र रखे हुए हैं। और जिला का जो तहसीलदार, आरआई, ये सब हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये सब बूथ को जाके ऑपरेशन करेंगे या विजिट करेंगे और बूथ का एक एक खबर प्रशासन को देंगे। ऐसे ही इस तरह हमारे जो जनता वोट डालने के लिए जाएंगे उनकी सुरक्षा के लिए ये सब व्यवस्था किया गया है। और एक चीज, इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने 3000 पुलिस प्लाटून मुतन किए हैं। तो फिर से जिला प्रशासन ने प्रेस मीट के द्वारा आह्वान किए हैं कि संबलपुर वासी निर्विघ्न से वोट डालने के लिए जाए और अपना वोट डालें और एक अच्छी सरकार गठन करने के लिए देश और राज्य का साथ दें। संबलपुर से आलोक कुमार, आवाज न्यूज। आमे सब प्रॉपर अरेंजमेंट अच्छी, सब जगह सीसीटीवी एरिया जोटी भी अच्छी। आम सीएपीएफ डिप्लॉयड अच्छी और सीएपीएफ मूवमेंट अच्छी। आम रेगुलर फ्लैग मार्च करुच, सब एनफोर्समेंट मेजर तरातारी ढंग से लिया जाऊँ और आम एनश्योर कर फ्री एंड फेयर इलेक्शन रहीबे। और जमी आरडीसी महोदय कहले कि सब लोग निष्पक्ष, सब लोग आके फियरलेस एनवायरमेंट वोट करंतु। आम एनश्योर कर कि आप के भी आसबे तो प्रॉपर सिक्योरिटी रहेंगे, प्रॉपर एनवायरमेंट रहेंगे एंड पुलिस सब एक्शन।